इस बार बीजेपी और सपा में घमासान तेज है। यूपी की सीट पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सरधना से विधायक अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है और यहां से बीजेपी प्रत्याशी टीवी के राम यानी अरुण गोविल मैदान में हैं। समझते हैं मेरठ में राम के खिलाफ क्या है समाजवादी पार्टी का गुर्जर कार्ड। क्या अरुण गोविल को टक्कर दे पाएंगे अतुल प्रधान? सबसे पहले जान लीजिए कि अतुल प्रधान है कौन। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वर्तमान में सरधना से विधायक हैं अतुल प्रधान। 2012 में राजनीति में आए, 2012 और 17 में सरधना से लड़े लेकिन हार गए। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से सपा रालोद गठबंधन ने अतुल प्रधान को सरधना सीट से टिकट दिया और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज दो बार के विधायक संगीत सिंह सोम को पटखनी दे दी और पहली बार विधायक बन गए। मेरठ के गडीना गांव के रहने वाले हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। 2022 के चुनाव में दाखिल शपथ पत्र के अनुसार अतुल प्रधान का पेशा खेती है। वो ग्रेजुएट है, पिछड़ी जाति से आते हैं और अलग अलग थानों में उन पर 38 मुकदमे दर्ज हैं। अब आपको समझाते हैं कि मेरठ का सियासी समीकरण है क्या। मेरठ हापुड़ सीट पर मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका है। यहाँ मुसलमानों का बड़ा तबका रहता है, दलितों की भी बड़ी आबादी रहती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू और 36% मुस्लिम आबादी है। 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर हैं। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। कुल मिलाकर यहां 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांति धरा भूमि माने जाने वाले मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से बेहद अहम सीट मानी जाती है। खुद बीजेपी ने भी 2014, 2019 और अब 2024 में चुनावी अभियान की शुरुआत इसी लोकसभा सीट से की है।